हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो। स्मॉल वंडर्स मोंटेसरी एंड प्री स्कूल एक ऐसा प्री स्कूल है जो आपके बच्चों के दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। स्मॉल वंडर्स में बच्चों को बुक और पेंसिल से पहले चीजें महसूस कराई जाती है, जैसे शेप्स, कलर, अल्फाबेट्स, नंबर्स, जो कि बच्चों को सीखने और समझने में काफी आसान होता है। साथ ही शूलेस बांधना, शर्ट्स के बटन, बैग के बकल्स लगाना, ये सब सिखाया जाता है। आपके बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों की पर्सनालिटी अभी से डेवलप करना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए स्मॉल वंडर्स मोंटेसरी एंड प्री स्कूल एट मिठाई वाला अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, मिलत नगर 1, अपोजिट टोरेंट पावर, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। एमएलए रईस शेख की डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अहम चर्चा। देश भर में चल रहे लोकसभा इलेक्शन के चलते भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने भिवंडी शहर में डॉक्टरों और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के साथ, जहां रईस शेख ने इंडिया अलायंस को भारी वोटों से जिताने की बात पर जोर दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इंडिया अलायंस के साथ है। इस चर्चा में शहर के डॉक्टर एसोसिएशन और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के जिम्मेदार शामिल थे। उम्मीद है कि इंडिया अलायंस को जीत दिलाने में ये बैठक अहम भूमिका निभाएगी। बंद घर से आभूषण और नकदी हुई चोरी। भिवंडी ग्रामीण के कोपरगांव स्थित मुंगीपाड़ा कॉम्प्लेक्स के एक बंद घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे 1,35,000 कीमत के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली। मकान मालिक बाजीराव पाटिल की शिकायत पर नारपली पुलिस स्टेशन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गौवंश का मांस और बोलेरो पिकअप शांतिनगर पुलिस ने किया जब्त। भिवंडी शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जानकारी मिली थी कि खान कंपाउंड के गफूर बीफ दुकान के मालिक सफर अली और साकिब सईद गौवंश जाति के जानवरों की चोरी करके उसकी हत्या कर मांस बिक्री करते हैं, जिसके बाद शांतिनगर पुलिस ने जाल बिछाकर शॉप पे छापा मारा और सफर और साकिब को हिरासत में लिया। साथ ही दुकान से एक बोलेरो पिकअप, गौवंश जानवर के मांस, दो छुरा, एक चाकू, कुल 5,67,000 रुपए कीमत का मुद्देमाल किया बरामद। सनासाइजिंग कंपनी में जलाया जा रहा है कचरा। भिवंडी शहर के आजमी नगर नालापार में श्रीधर और इकबाल सेठ की सनासाइजिंग है, जिसके बॉयलर में लकड़ी, रबड़, कपड़े की चिंदी, पुट्ठा जलाकर स्टीम तैयार किया जा रहा है और चिमनी से लगातार राख और काला धुआं निकलता है, जिसकी वजह से आसपास की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और टीबी और दवा के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं स्थानीय निवासियों ने मनपा आयुक्त से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता जीजाव संस्था में हुए शामिल। आज दोपहर भिवंडी शहर में जीजाव संस्था के नीलेश सामरे की ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां कांग्रेस और एनसीपी के कुछ वरिष्ठ नेता और एनसीपी की महिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के जरिए एनसीपी अजीत पवार गुट की कई महिला जीजाव संगठन में शामिल हो गई। पार्टी के नेताओं ने नीलेश सामरे के काम को देखते हुए ये फैसला लिया। जिस तरह जीजाव संस्था ग्रामीण और शहर में अपने कामों को अंजाम दे रही है, उसी संस्था ने कई नेताओं का दिल भी जीता है, जिसकी वजह से पहले एनसीपी की महिलाएं और अब कांग्रेस के नेता भी जीजाऊ संगठन में शामिल हो गए। आईपीएल का सट्टा लगाते हुए 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। मिली जानकारी के मुताबिक कोंगा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के केन पार्क होटल एंड लॉजिंग के एक रूम में अवैध रूप से आईपीएल सट्टा लगाने का काम शुरू था, जिसकी जानकारी मिलने पर थाने रोड स्पेशल और AEC टीम ने होटल में छापे मारकर 31 वर्षीय शानू ललित, 30 वर्षीय रजत बाबूलाल, 40 वर्षीय विजय सीताराम और जानू कोरबा को पकड़ा। साथ ही मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और 11,86,000 रुपये नकद, साथ ही 7,30,000 रुपये के सट्टे का हिसाब बरामद कर कोंगा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। दुकान का नौकर निकला चोर। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के 3 बत्ती मार्केट स्थित यासीन चिकन सेंटर में शांतिनगर निवासी ग्यासुद्दीन अंसारी उर्फ साहिल काम करता था। कल दोपहर 4 बजे के दरमियान साहिल ने दुकान के गले में रखे 1,09,000 रुपये चुरा लिए। निजामपुर पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मौज मस्ती के लिए क्या करते थे चोरी। भिवंडी शहर में वाहन चोरी की बढ़ती संख्या को देखते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश चोपड़े और सुरेश गोगे के नेतृत्व में एक पुलिस दल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इस दरमियान एक अपराधी तथा उसके 2 नाबालिग साथियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने इनके पास से 4,35,000 रुपये कीमत के चोरी के वाहन बरामद किए। खास तौर पर ये तीनों चोर मुंबई चौपाटी 5-स्टार होटलों के चक्कर लगाने के लिए इन गाड़ियों को चुराते थे और पेट्रोल खत्म हो जाने पर गाड़ी को वहीं छोड़ दिया करते थे। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।
जीजाऊ सामाजिक संस्था और वंचित बहुजन आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार श्री नीलेश सामरे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कल 30 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनकी रैली छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से प्रांत कार्यालय तक निकाली जाएगी। आज स्टॉक मार्केट में नजर आई भारी तेजी, सेंसेक्स 937 अंकों की बढ़त के साथ 74,668 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 223 अंकों की बढ़त के साथ 22,643 पर हुआ बंद। गोल्ड 71,658 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 80,865 और क्रूड ऑयल 6,910 पे ट्रेड करते हुए।